गाइस अभी कुछ टाइम बाद मतलब मैं ऐसे बोर बैठा हुआ था, मैं कंटेंट वैसे देख रहा था, तो मैंने पिंटरेस्ट खोला। और पिंटरेस्ट खोलने के बाद मेरे पास एक मीम सामने आता है जहाँ पे बच्चों के मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दिखे पेपर के अंदर। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम भी मजे लेते, आपको भी मजे देते। और सही बात बोलूँ भाई, कान इधर आओ, कॉन्टेंट मिल गया मेरे को, तो मैंने कॉन्टेंट बना लिया। तो भाई आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं भाई, इतने सैवेज रिप्लाई करते हैं ना, मतलब मैंने कुछ छाटे हैं मतलब देखने के बाद, और कुछ मैंने मतलब मंगवाए भी, मतलब अपने दोस्त वगैरह से भी बोले थे भेज दो। तो भाई आज देखने वाले और फुल के जम के हंसने वाले हैं, क्योंकि भाई लिटरली जो किड्स आर वेरी सैवेज, मतलब हमारा उस उम्र में दिमाग नहीं चलता था, हमें सिर्फ ये पता था कि यार हमें डोरेमोन चिंचन दिखा दो या हमें चॉकलेट खिला दो बस। उस समय हमारी उम्र के बच्चे, जब हम बच्चे थे तो हम सब में यही होता था कि यार हमें डॉक्टर बनना है, हम और किसी के नाम पता नहीं था और किसी की स्पेलिंग पता था, मेन बात ये थी। चलो कोई बात नहीं, देखते कुछ ऐसे ही फनी किड्स रिप्लाई और साथ मिल के हंसते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी तो वीक में या मंथ में वन डे रखेंगे ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए, रिएक्शन देते हुए। तो वहाँ लाइक करना, कमेंट बताना, और अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं 100 लाइक्स तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको एक पसंद आई है और हम इसको कंटिन्यू करने वाले। तो गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। बड़े टाइम बाद आया हूँ भाई, नई रिकॉर्डिंग में पहले सारी वीडियो बनी बनाई थी, नहीं चली क्योंकि मैं खुद एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं मतलब अगर इंस्टाग्राम पे आओगे ये यहाँ पे आ जाओ तो पता चल जाएगा कि यार हाँ क्यों था। मैंने आप भी स्टोरी पोस्ट करी, आप देख रहे हो, आई यू सेम डे वीडियो आने वाली है, तो आ जाना इंस्टाग्राम पे देख लेना असली रीज़न क्या है कि पहले वीडियो ऐसी कैसी आ रही थी, मतलब कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर हंसते हैं। सो गाइस पहले की तरफ चलते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले आता है मुहावरे के उधार उदाहरण देखकर समझाइए। तो पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डाके। अरे आप लेजिट देख सकते हो भाई, इस पे चोर कोतवाल बनाया हुआ है, चोर बनाया हुआ है, चोर उल्टा बनाया हुआ है, मतलब। और उसने क्या लिखा है, अबे ओए कोतवाल, मतलब चोर उल्टा और क्या बिना अबे ओए कोतवाल। फिर नीचे लिखा हुआ है उत्तर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे यार और टीचर ने दिया हुआ है 0 out of 10। मेरे हिसाब से भाई अगर मैं टीचर होता तो भाई क्रिएटिविटी के लिए आपको 2 नंबर जरूर देता। हालांकि आंसर गलत है, लेकिन भाई क्रिएटिविटी मैटर करते हैं। बंदे ने कोतवाल बहुत बढ़िया बनाया हुआ है जिसके हाथ यहाँ से निकले पड़े हैं, पर भाई कौन क्या ऐसा सोच सकता है भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और चोर को उल्टा बना दिया, हेड स्टैंड करके खड़ा हुआ और बोल रहे अबे ओए कोतवाल। अबे यार मतलब भाई लेजिट भाई, एक सल्यूट बनता है इसके लिए। तो पहले वाली मीम की जो थी, उस बच्चे की ड्राइंग अच्छी थी तो कोतवाल वोतवाल को जो डांट रहे थे। अब आते हैं हमारे पास ये, और इस मीम पे लिखा हुआ है कि कॉपी दा जो भी नाम है उसका और रेनडियर करके कॉपी करना है, तो ऐसे भी लिखा हुआ है। अबे यार इसने लिखा हुआ है Ctrl+C फिर Ctrl+V, मतलब इससे पता चल जाएगा कि बच्चे का कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बच्चा काफ़ी टेक सेवी है। पर हाँ लेकिन भाई ये जिस हिसाब से ड्राइंग के लिए दी हुई है ना, अच्छा ऊपर लिखा भी हुआ है कि भाई आप कॉपी करो, और वो कॉपी भाई उस बंदे ने भाई बिल्कुल सही बोला भाई, मैं 0 नंबर ना देता, मैं इसमें फुल नंबर देता भाई, उसने कॉपी करा है, कॉपी पेस्ट करा है। मतलब भाई बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं, आप खुद ये बात सोचो यार, मतलब उसने डियर को कॉपी करने Ctrl+C Ctrl+V। और मेरे ख्याल से जिस बंदे को ये पता है, मेरे ख्याल से 5th या 6th क्लास का बच्चा होगा, 4th 5th क्लास का, क्योंकि उसको ये शॉर्टकट्स पता है। और ये शॉर्टकट्स हमें भी, मतलब मेरे को तो इसी उम्र में पता चले थे, 5th क्लास के आसपास, 4th 5th के अराउंड पता चले थे भाई। सल्यूट, इस पे भी एक सल्यूट बनता है, जो हमको मीम अच्छे लगेंगे उस पे एक सल्यूट देंगे आज हम। हाँ तो कहीं अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूँ, ये वीडियो मैंने आज ही शूट करी और आज ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने चैनल का नाम बदल के कर दिया है टेक अनफिल्टर्ड। भाई साफ सी बात बताओ, ये सारी चीज़ें प्री प्लान थी। प्री प्लान क्यों थी, अभी आप जाके मैंने इंस्टाग्राम पे चेक करो, क्योंकि मैंने आज पूरे उसके बारे में बहुत बड़ा भाषण दिया, 4 मिनट की मैंने पहली बार स्टोरी बनाई है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ थी मेरी 1K स्पेशल वीडियो में, मैं अपना नाम चेंज करने वाला था, मैंने पूरा काफ़ी सारा प्लान व्लान करके सोचा हुआ था कि नाम चेंज होगा, पर मैंने चेंज कर दिया और मैं अपने कुछ
पर्सनल इश्यूज की वजह से एक्टिव नहीं था, एक्टिव था, वीडियो बनी भी थी, वीडियो मैं बना के बैठा हुआ था, पर मैं उसके रीच लेने के लिए या उस पर टाइम देने के लिए एक्टिव नहीं था। लेकिन अब भाई तुम्हारा पूरा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एपिक कंटेंट आपको मेरी तरफ से देखने वाला है, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, क्या कर रहे हो यार, 110 सब्सक्राइबर बचे, फटाफट यार सब्सक्राइब ठोको, शेयर करो अपने दोस्तों तक, शेयर करो और बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट मीम की तरफ, और साथ साथ हंसते रहते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है मीम, जहाँ पे एक बच्चे की आंसर शीट दिखी हुई है जिधर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इन विच नेपोलियन डाई इन हिज लास्ट वन। टाइम गाइस, ये सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जिनके पास बहुत बड़ा दिमाग है कि उनके सर से भांड निकल रहा है। वैसे बात तो सही करी है यार, यार जब बंदा वो मरा होगा तो उसकी आखिरी उसमें तो मरा होगा बैटल में, ये हो सकता है। चलो यार हमें इतना कहा, हिस्ट्री में हम थोड़े कमजोर थे, कोई बात नहीं। हाँ, वेयर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, वेयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन ऑन द बॉटम ऑफ द पेज। अबे यार जस्ट बॉटम पे क्या लिखा हुआ है, एनीवन एनी वे यू वांट बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटेड, और जाने में कोई समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ओए यार थर्ड क्वेश्चन पढ़ो गाइस, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिवर रवि फ्लोज इन विच स्टेट, लिक्विड स्टेट। ओह माय बच्चे लिख के गॉड, आए हैं, लेकिन आप देख रहे हो ये तीन क्वेश्चन पढ़ने के बाद टीचर को भी समझ में आता है बच्चा आइंस्टाइन पैदा हुआ है, चाहे उसको पढ़ना लिख उसको आंसर ना पता, उसने क्रिएटिविटी के लिए ए प्लस दिया हुआ है भाई, ए प्लस और क्रिएटिविटी, और ऊपर लिखा हुआ है फेल। भाई मैं भी ऐसी भाई, टीचर एटलीस्ट टीचर ने टैलेंट की, नो टैलेंट, टैलेंट की कदर करी है भाई, सही बात बोलूँ तो। फिर लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डाइवोर्स, मैरिज। बच्चे कहाँ से आते हैं और कौन सी क्लास के बच्चे हैं भाई, ये चीज़ें सोच कैसे लेते हैं ये अगर ये छोटा बच्चा होता ना, तो हम जब छोटे थे ना भाई, हमारे दिमाग में भाई यही चीज़ रहती थी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्लास में फर्स्ट आना है। हमें भी बोलता था ना बड़ी क्लास का अच्छा बच्चे, हेलो बच्चा, तो हम डर जाते थे, मैं करने ले जाते थे, पर चलो कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द एग्जाम फेलियर। इस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे आपकी क्या टिप्पणियां हैं। तो गाइस ये है, व्हाट कैन यू नेवर ईट इन ब्रेकफास्ट लंच एंड, अरे ये बहुत कॉमन था, ये मेरे को भी पता था, मेरे को भी पता था भाई, बहुत कॉमन है ये। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट में, लिखा हुआ है, व्हाट लुक लाइक अ हाफ एप्पल अनदर हाफ। भाई बंदे ने बात सही करी है भाई, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है ये, नॉट वाई स्टडीज लेकिन क्रिएटिव के सामने, क्रिएटिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा है भाई ये। और हाँ इंटेलेक्चुअल का मतलब मैं बता रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा समझदार बंदा है, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम लोग समझदार हो यार। अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू थ्रू अ रेड स्टोन इन टू अ ब्लू ब्लू सी, वट विल बिकम, सिंपली अ वेट स्टोन। भाई कहाँ से आते हैं भाई ये बच्चे, कहाँ से, मतलब बात तो भाई वो बात भाई, अब ये भाई टैलेंट की कदर नहीं भाई, बात तो वो सही कर रहा है यार, वो पत्थर तो गीला हो ही जाएगा यार। अब ये बात सुनने के बाद भाई मेरे को भी पानी पीने का मन लग गया, तो प्लीज स्टैंड बाय। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है, हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लीपिंग, इजी, स्लीप एट नाइट। भाई आई वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन, भाई मेरे को इस बंदे से मिलना है भाई, बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे, मैं कहता हूँ टीचर से भी ज़्यादा समझदार बच्चे, जो ऐसी बातें लिख पा रहे हैं, टीचर को भी नहीं पता होगा, डेज में बंदा चलेगा तो नाइट में तो सोएगा भाई, ये भाई नाइस नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया भाई, मतलब यार ये पेज देख के ना सच बताऊँ बहुत मज़ा आ रहा है। फिर दिखा हुआ है, हु कैन यू लिफ्ट, हाउ कैन यू लिफ्ट एन एलिफेंट विद वन हैंड, यू कैन नेवर लिफ्ट एन एलिफेंट दैट हैज़ अ वन हैंड। ये सब ठीक था, मतलब बेकार था, स्पेशली उठ नहीं मारेंगे। इफ यू हैड 3 apples एंड 4 oranges इन वन हैंड एंड 3 oranges एंड 4 apples इन अनदर हैंड, वट डू यू हैव, अ वेरी लार्ज हैंड। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बाद में, समझने वाले समझ चुके लेजेंड्स। इफ इट टुक 8 मेंस
10 hours to build a brick of wood. How long would it take 4 men to build it? No time at all. The wall was already built. बात तो सही है, लेकिन मिलके तो 4 बंदे के हो जाएंगे दोबारा उसको बनाने। भाई इस पे भी सल्यूट बनता है, स्मॉल सल्यूट। तो गाइज ये जो है ना हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, मैथ्स टेस्ट लिखा हुआ है और ऊपर निकला हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बॉब हैज 36 कैंडीज और उसने 29 खा ली, तो उसके पास क्या है? उसके पास डायबिटीज है भाई। कहाँ से सोच के आते हो बच्चे यार के? लो हमारे में क्या करो, हमारे में इतना दिमाग नहीं भाई। मेरे को मिलना है भाई इन बच्चों से, मैं ग्रैंड सल्यूट देना चाहूँगा मिथुन दा वाला भाई। उसके बाद जिन्हें लिखा हुआ है क्लैरिटी बॉब हैज डायबिटीज की टीचर गलत ना समझे, क्योंकि टीचर के पास स्टूडेंट्स ऐसी क्रिएटिविटी है ही नहीं ना, सीधी बात है। चलो अगले उस पर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास आता है ये वाला एक्सपैंड वाला। अबे यार मैथ्स इतने बेकार क्यों आ रहे भाई? इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। ओ 2ab, अब मैं भी इसको देख के थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। तो इसमें एक्सपैंड क्या करो, पहले एक खोला फिर ब्रैकेट बड़े करके बीच में ए प्लस बी कर दिया, फिर बहुत बड़े बड़े ब्रैकेट कर दिए, मतलब इतना बड़ा उसने कर दिया कि नीचे टीचर को लिखना था मीट मी। और टीचर इसको इतना मार मार के इसका एक्सपैंड करेगी ना भाई, सच में मज़ा आने वाला है। मज़ा क्या आएगा, मतलब इसका एक्सपैंड हो चुका होगा जिस हिसाब से उसने आंसर लिखा अब तक। तो सुखा इस जो अगला मीम आ रहा है ना वो ये आ रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, बस स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है डू यू एग्री विद द थ्योरी ऑफ डैश। अब ये पता नहीं कोई होगा या किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, पर इसमें नीचे लिखा हुआ है येस और नो, मतलब पाई चार्ट बनाने को बोला गया था। और बंदे की भाई मेंटेलिटी देख रही हो, उसने पूरा कलर सेम कर दिया और नीचे लिख दिया वो भी येस है और नो है। भाई तुम ढूंढो ना, हम क्यों ढूंढेंगे, ढूंढो तुम टीचर हो तुम्हें ज़्यादा पता होगा, ढूंढो येस कौन सा है नो कौन सा है। मैंने अपना काम कर दिया, इट्स योर ड्यूटी। ओके इस पे वही डायलॉग आता भाई, इट्स हर चॉइस भाई, उसकी मर्जी से उसने करना है। हाँ नेक्स्ट मीम पे जाने से पहले भाई लास्ट वाले मीम के लिए एक सल्यूट बनता है भाई, वो येस नो वाले भाई बहुत बढ़िया मीम लगा मेरे को। अब आते हैं ये वाले पे। अबे यार भाई इसमें लिखा डिफेंड योर आंसर, पता नहीं क्वेश्चन पूरा होगा लेकिन इसमें नीचे लिखा हुआ है डिफेंड। उसने आंसर बना के बाहर एक आर्मी ऑफिसर लिखा दिया, ऊपर लिखा हुआ है सर्स आई हैड डन नो हाउ मच लॉन्गर वी कैन होल्ड देम। अरे भाई और उसमें देख रहे हो आसपास उसने वो भी बनाए हुए हैं, वो जैसे वो उसमें होते हैं कर्लिस इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह, और वो पूरा बेस वेस बना के गोलियां चलती हुई भी दिखाई है भाई। क्रिएटिविटी भाई बहुत बढ़िया है। और टीचर ने इधर मार्क्स नहीं दिए, और मेरे को लगता है इस टीचर के बाद ना इसने टीचर ने पोस्ट करा होगा ये ऑनलाइन पे कि मैं तो कुछ कर नहीं सकती लेकिन मेरा ही भला हो जाएगा, मेरे फॉलोअर 2-4 बढ़ जाएंगे इसको पोस्ट करने के बाद। भाई इसके लिए भी एक सल्यूट बनता है। सो गाइज अब ये जो मीम आता है ना भाई, वो आज के सिनेरियो से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक बीच पे 26 बच्चे ऑलरेडी है, 37 और आ चुके हैं, तो बताओ कितने बच्चे इस समय। उसका सिंपली आंसर वो दे सकता था कि भाई 63 बच्चे हैं, नहीं उसने लिखा कि भाई 2 many 4 कोविनेट। मेरे को लगता है ये बच्चा वही है जो ऑनलाइन पढ़ा हुआ है भाई, मैं बता रहा हूँ ये बच्चा वही है जो ऑनलाइन पढ़ा। भाई ऑनलाइन बच्चों का मतलब वो होता है लापरवाही, ऑनलाइन बच्चे जब पढ़ते ना तो ऐसे नतीजे निकलते हैं। लेकिन उसने बहुत बड़ा सोशल मैसेज दिया, तो सोशल मैसेज के लिए मेरा सल्यूट ज़्यादा है, क्योंकि भाई केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं। और मैं भी आपको बोलूँगा कि मास्क वगैरह लगा के रखो, मजाक की बात तो मजाक में थी लेकिन मास्क वगैरह लगा के रखना, सैनिटाइज वगैरह बहुत हो गई ज्ञान की बात है। वो अगले मीम पे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि मेरे को भी मज़ा आ रहा है सारी चीज़ देखने में। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि यार इस कमेंट सेक्शन में डाल देना भर के अपना जितना भी कमेंट डालना है, और इसके पार्ट टू के लिए कमेंट में लिख देना वंस मोर, तो इसका पार्ट टू आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से 15 या 10-15 मिनट से ऊपर की वीडियो जाने वाली है, और मज़ा आएगा वीडियो में, क्योंकि मेरे को बनाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। जब अपने आप को बनाते हुए मज़ा आता है ना यार, वो वीडियो बहुत बढ़िया आती है। सो गाइस ये मीम के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पहले देख लो उस बच्चे ने बिल्कुल सही करा है। मैं उस बच्चे का स्टैंड लेता हूँ और मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ जिस टीचर ने इसका आंसर गलत करा है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो मैंने पहले आपको बताया था कि ऑनलाइन में पढ़े हुए बच्चे हैं। भाई उसमें लिखा हुआ था सर्कल द स्मॉलेस्ट वन, तो उसने सीरियल नंबर को सर्कल कर दिया क्योंकि इसमें 1 2 3 लिखा हुआ था। भाई बच्चे ने बिल्कुल सही करा, वो गलती है कि ऑनलाइन पे इतने छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया होगा।
मेरे को पक्का पता भाई ये ऑनलाइन का रिजल्ट है, ये पुराने जमाने बच्चे नहीं, पुराने जमाने बच्चे तो मैम चीज़ चाटा वाटा लगाती हूँ, लेकिन चेक्ड भी है। लेकिन इसके लिए भाई हैट्स ऑफ फॉर क्रिएटिविटी मिलता है इसको, और 0 नंबर बाई टीचर। पर हाँ क्या कह सकते हैं, लेकिन यार बढ़िया था भाई, उसने क्रिएटिविटी पूरी लगाई कि 1 2 3 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसने उस पर सर्कल लगा दिया। और उसके मामले भाई वो उसकी तो गलती है नहीं ना, वो टीचर की गलती है भाई। ऑनलाइन से पढ़े हुए बच्चे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं अभी 1 साल ऑनलाइन पढ़ता हूँ। सो गाइस ये मीम पढ़ने से पहले इसके ऊपर ये हेडिंग पढ़ लेते हैं जो वो मतलब मीम वाले ने बना के दी हुई है, वे द किड्स शुड बी टीचिंग द क्लास इंस्टेड। तो इसमें लिखा हुआ है 10 वर्ड आई कैन स्पेल राइट आर, नीचे लिख दो। तो उसने क्या करा, उसको शब्द की स्पेलिंग नहीं आती होगी, तो उसने ऊपर 10 लिखा, 1 2 3 4 10 तक लिखे हुए, तो उसने पूरा उसमें लिख दिया 10 वर्ड आई कैन, कैन भी मेरे को कैन नहीं लग रहा, पर स्पेल राइट आर ऑक्टोपस एंड सेवन एंड टू, मतलब उसने लिखे 3 शब्द। लेकिन उसने उसने ऐसा जो मतलब खेला है ना, वो बंदे टीचर के साथ खेल गया भाई, उसने वही ऊपर के 4 5 शब्द लगा दिए और ये वो स्पेल करता था। उसने ये तो नहीं बोला था कि ऊपर वाले नहीं लिखने, बच्चे के हिसाब से उसने बिल्कुल सही करा, पर टीचर ने फिर भी 3 लिख के नीचे लिखा हुआ है सी मी आफ्टर क्लास। टीचर क्या देखेगी, टीचर को इसको देखना पड़ेगा भाई, इतना बढ़िया खेल गया बच्चा, और क्या चाहिए। उसने पूरी क्रिएटिविटी लगाई, क्रिएटिव सिर्फ उसने दिमाग लगाया भाई, सबसे बड़ी बात। और मेरा जैसा बच्चा होता तो मैं भी यही करके आता जैद से, हो सकता है मेरा ही तो नहीं लीक हो गया बचपन का फोटो। अब बंद करो इसको, बंद करो बंद करो। ओ भाई ये वाला मैंने मीम पता नहीं कितनी जगह देखा है भाई, ये देखो, इन अ वर्ड डिस्क्राइब स्कूल हेल। अभी इस पे अगर अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं इस पे कोई ओ वाला वो नहीं लगाऊंगा, मैं इस पे सीधा लिखना चाहूंगा दिल की बात है ब्रो, तुम समझ सकते हो। लेकिन भाई जब स्कूल ख़त्म हो जाता है ना बहुत बुरा लगता है भाई, अभी रिसेंट में ख़त्म हुआ। पर हाँ दोस्त वगैरह वो लाइफ अलग थी, अब जो ऑनलाइन बैठे हुए उनको तो इतना मतलब वो पता है, लेकिन हमने भाई अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े करे हैं। और भाई लिटरली बताऊँ यार, वो दिन भी क्या दिन थे, वो गाना याद आता है अभी भी। लेकिन हाँ हेल तो था स्कूल यार, ये तुम सबको पता है, हेवन वो हेवन वो तब था जब हम अपने दोस्तों के साथ मजे करते थे, गेड़ी वेड़ी मारते थे, घूमते फिरते थे, बंक बंक, वो सबसे बढ़िया टाइम था ये तो, बाकी बात तो सच है। सो गाइस अगला मीम जो है ना वो ये था, प्लीज कलर द मतलब उसमें दिया तो इसमें डैनिश फ्लैग तो उसमें कुछ ऐसे कलर कर दिया था, और एक स्वीडिश फ्लैग को उसने ऐसे कलर करा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है फिनिश फ्लैग, पर वही ये फिनिश फ्लैग नहीं है। तो ये मीम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो फिर मैंने गूगल करा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ पे ना सर्च में दिखा रहा था कि फिनलैंड का है, मतलब कुछ फिनिश फ्लैग उसको बोलते हैं। तो गाइस अभी आपका काम है, मेरे को मीम का मजा किरकिरा कर दिया था बस, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इस पर चेकआउट करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसका फ्लैग है। तो ये आपका होमवर्क है, नाइस। तो दिस मीम विल बी द लास्ट मीम मेरे ख्याल से, जिसमें लिखा हुआ है टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर यू विल। तो बंदे ने लिखा हुआ भाई टेक आउट सेंटी, उसने बात गलत नहीं करी, बल्कि होना ये चाहिए था, अगर सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करना तो सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 कर दो। यस मेरे को आती है मैथ्स, लेकिन भाई उसके चिल भाई बहुत अपनी पूरी आयश है, सीधी बात है। क्या मेरे को इसके बारे में एक दिमाग में कोई बात सोचे जो मैं इंस्टेंट बना रहा हूँ, मतलब दिमाग में बन रही है, तो सोच और सोच, तो मैं बताता हूँ कि सेंटीमीटर कैसे बना, क्योंकि मीटर को इतना गम था कि वो सेंटी हो गया। बहुत बेकार है पर कोई बात नहीं, ओ वाला मीम लग गया आपने सुन लिया है, पता नहीं बन गई, मैंने बना दी। और इसी के साथ एंड करते हैं अपने इस बढ़िया सेशन को, मेरे को बड़ा मजा आया भाई हंसने में। तो अब जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उनके लिए एक बोनस मीम तो रहता है ना भाई, अब जो यहाँ तक रुके हैं और हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हैं, तो भाई उनके लिए एक बोनस मीम और, वो मीम है ये तो आप देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू वी कॉल अ साइंस क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स, रेसिज्म। ओ भाई भाई मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला इसके ऊपर, वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी का खेल बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल।
कोई बात नहीं, ये था बोनस वाला मीम, लेकिन अब खत्म करते हैं। बहुत मजा आया मेरे को तो, बहुत बहुत मजा आया। और आप इसको लाइक करो, और जो मैंने कमेंट्स पे लिखने को बोला है वो लिखो, अगर इसका पार्ट टू देखना है। और उसके साथ साथ मेरे को डे बताओ कि किस डे पे आप देखना चाहते हो ये फन सीरीज, जो मेरे को लगता है कि मैं करूँगा। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अब रेगुलर रहने की, बहुत ज़्यादा नए कंटेंट ट्राई करने की, टेक कंटेंट है पर कुछ नया ट्राई करने के लिए जिसमें मेरे को मजा आए। देखो, कंटेंट बनाने का वही मजा है, चलो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, कंटेंट तो मेरे को अभी भी दिमाग में आ रहा है। कंटेंट बनाने का वही मजा है जिसमें आपको मजा आए। अगर आपको एजुकेशन लाइन में मजा आता है, कंटेंट एजुकेशन में बनाओ। और हाँ, ठीक है, बाय बाय। बस आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस मैंने रिकॉर्ड करी है। बाकी स्टोरी बिहाइंड स्टोरी जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा, बाय बाय।